तुम से बहुत चर्चा चल रहा है इंक्रोचमेंट का इश्यूज का और गवर्नमेंट क्वार्टर का इंक्रोचमेंट का है, पब्लिक प्रमिसेस इंक्रोचमेंट का है, आप बहुत कार्रवाई भी कर रहा बोला, अप टू डेट क्या है और अभी देखिए आप क्या मैसेज दे रहा है? नहीं नहीं कल तक तो अभी कल दिन में भी आपने देखा होगा, कल 17 आदमी को अरेस्ट किया, उससे पहले 19 को अरेस्ट किया, अभी हम दो सप्ताह में कम से कम 100 से आधा को अरेस्ट किया, पुलिस थाना में केस बना रहा है, FIR बना रहा है। और इसका क्या करेगा जो भी नौकरी काम कर रहा है, जो इंक्रोचमेंट का साथ कनेक्टेड है, उस नौकरी वाला लोगों का जितना भी क्वार्टर है उसको कैंसिलेशन के लिए मैंने गवर्नमेंट को लिख दिया है, वो कैंसिलेशन होना है। दूसरा है उनका ऊपर में कंसर्न डिपार्टमेंट जो है सीसीएस कंडक्ट रूल के अंदर में इंक्वायरी करना है। तीसरा जो है हमारा जो स्टेट ऑफिसर लोग है इसको इविक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो अभी जितना भी कोर्ट कचहरी का जितना कागज़ है वो कंपाइल कर रहा है। मैंने बोल दिया कि एच सेक्टर से शुरू करेगा, जितना भी बिल्डिंग है उसको हम पुल डाउन करेगा, वो तो होगा ही है, ये तो नियम का अंदर में होगा, एक्ट का अंदर में होगा, तो इसमें हमारा कोई किसी का साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों ने अभी सरकार और पब्लिक लीडर का साथ पता चला है कि कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरा साथ तो मेरा कानून ही चलेगा। और आगे जाके लोग जो है अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे कि एक दिन पहले पर्सनल डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर जो है बिल्डिंग को तुताई दिया, घर बनाया, मैंने उसको अरेस्ट कराया, तो हमारे स्टाफ को बोला है कि वो पर्सनल डिपार्टमेंट तलो पुतुम तो मेरा अंदर में है, हम ठीक करेगा। कल का बात है, कल फाइनेंस का एक ऑफिसर का अरेस्ट हुआ, बोलता है कि तुम्हारा स्टाफ लोग का DC ऑफिस का स्टाफ पेमेंट जो है हमसे लेता है, फाइनेंस से, हम लोग आप लोग को भी टिक करेगा। तो ऐसे ही बहुत से जगह में होता है, हिंद्रिन से जो है अभी जैसे डायरेक्टर हाउसिंग है उनका स्टाफ लोगों को विवेक विहार में लेके गया, उन लोग बोलता है कि ये कोर्टर गवर्नमेंट का नहीं है, और जो गवर्नमेंट सर्विन बोलता है कि ये तो गवर्नमेंट का है, और मुझे भी मालूम है पहले भी केस में ये गवर्नमेंट का ही कोर्टर था। अभी देखिए हमारा हर फ्रंट से लड़ाई लड़ना पड़ रहा है, अभी हाउसिंग डिपार्टमेंट भी जो इंक्रोचर है उसको सपोर्ट कर रहा है, उनका पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोर्टर नंबर मालूम नहीं है, डॉक्यूमेंट मालूम नहीं है। मैंने अभी पावर डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखा है, क्योंकि हाउसिंग हमको कोऑपरेट नहीं करेगा तो पावर डिपार्टमेंट जरूर बिजली लगाने के लिए कौन से टाइप था, कौन से आदमी था अपॉइंटमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में था, वो हमको ईयर वाइज हम मांगा है, पावर डिपार्टमेंट से तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई नहीं बचेगा, हाउसिंग कोऑपरेट मत करो लेकिन मैं हाउसिंग पावर डिपार्टमेंट से निकालेगा। अब इसे अभी मेरा ये बातों से पता चलेगा कि लोग हमें बहुत ट्रोलिंग करता है, गाली देता है। इंक्रोचमेंट का बात को लेके मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर का स्ट्रक्चर को तुताया, चीफ मिनिस्टर का तुताया, MP का तुताया, MLA का तुताया, मिनिस्टर का तुताया, चीफ इंजीनियर का तुताया, डायरेक्टर का तुताया, इससे बड़ा आदमी कोई है क्या? बोलता है कि तलो पुतुम सिर्फ छोटा छोटा आदमी को तुताता है, तो आप भी थोड़ा समझा दीजिए आपका। ऐसे कोई कोई एलिगेशन लेता है कि तालो पुतुम गरीब आदमी को परेशान करता है? नहीं, ये जो बेंदोर्स लोग है ना उसको बोलता होगा, बेंदोर्स लोग तो देखिए वो नाला में बैठा हुआ है, उनको तो हटना ही पड़ेगा। When it comes to your child's future, make no compromises. Enrolling Nalanda Academy Coaching for decoding or regular classroom facilities. Experienced faculty members, dynamic teaching models, regular tests and feedback to improve performance. Multi-Vivas security system. Small size batches, hostel facilities and many more facilities are available. For admission and any other queries, visit Nalanda Academy Coaching, G Extension, Nahar, Lagoon. Call 603-382-4065.